हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगेन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी। ये आज मैं आपको बना के बताने वाला हूं तंदूरी पापलेट। तो अगर आपने सीखना है कि मैंने तंदूरी पापलेट कैसे बनाई है या हम होटल में कैसे बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। बहुत ही मस्त रेसिपी है, मिस ना करें। मैं बनाने वाला हूं 2 पीस, लेकिन मैंने इसको वजन नहीं किया कि इसका वजन कितना है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, इसको कट लगाना है। कैसे लगाना है आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपने ये काट देना है, ये देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यार से कट जाता है। लेकिन प्यार से कब कटेगा, जब आपकी नाइफ में धार होगी। देख रहे ना आप कैसे मेरी नाइफ में धार है, तो ऐसी धार होना जरूरी है। ये देखिए बस आपने इतना काटना है, ये कितना आसानी से कट गया। उसके बाद आपने इसमें कट लगाना है, 1, 2, 3, और कट आपने लगाना है गहरा। देख रहे ना आप, ऐसा गहरा कट लगाएं। अगर आप चाहें तो 4 भी कट लगा सकते हैं, या फिर ये देखिए इस तरीके से लगा सकते हैं, ऐसे थोड़ा तिरछा, ये है आपकी मर्जी। इससे क्या होगा, गहरा कट लगाने से मसाला अंदर तक जाएगा। तो मैं अब ऐसे ही कट लगा लूंगा, आप भी ऐसे ही लगा लें। मैंने कट लगा लिए। अब आपको एक बात बता दूं, अगर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से ऐसे हल्का सा काट लें, ना चाहें तो ना काटें। कई शेफ लोग काटते नहीं है, क्योंकि काटने से क्या होता है, इसकी खूबसूरती खराब हो जाती है। तो ये आपकी मर्जी है, थोड़ा चाहें तो काटें, ना चाहें तो ना काटें, और इसको यहां से साफ जरूर कर लेना है। कैसे, ऐसे ये देखिए, ऐसे काट के इसके अंदर का जो भी कचरा होता है ना, उसको निकाल देना है आपने, ये जरूरी है। उसके बाद आपने एक ऐसा डिप बोल लेना है, और डिप बोल के अंदर आपने डालना है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी के सरसों का तेल, 2 पिंच नमक, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 2 पिंच ये अजवाइन। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने देखिए ऐसे इसको मिक्स करना है। देख रहे ना आप, ऐसा एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद जो हमने मछली काट के रखी थी, काटने के बाद मैंने धोई भी है, वो इसमें डालना है, और ये ऐसे अच्छी तरीके से मसल मसल के इसमें मसाला लगा देना है। देख रहे ना आप, ऐसे ऐसे करना जरूरी है, तभी इसमें टेस्ट आएगा। इसको फर्स्ट मेरिनेशन बोलते हैं, ये आपने जरूर करना है। देख रहे ना आप, ऐसे करके रख देना है आपने। मेरीनेट करके आपने कितनी देर रखना है, सिर्फ 15-20 मिनट रखे। तब तक आपने क्या करना है, दोबारा से एक ऐसा डिप बोल लेना है और इसका मसाला बना लेना है। आपने सबसे पहले इसमें डालना है ये भुना हुआ बेसन 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, 1 टेबल स्पून ये देगी मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून डालें। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने ऐसे देखिए इसको मिक्स करना है। क्यों करना है, ताकि बेसन घुल जाए और देगी मिर्च तेल में मिक्स होके अपना कलर छोड़ दे। देख रहे हैं ना आप कितना बढ़िया कलर आ गया। ऐसा कलर कब आएगा, जब आप ऐसे बनाएंगे जैसे कि मैंने बनाया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने डालना है 2 टेबल स्पून टंगा हुआ दही। दही को कैसे टांगते हैं, आपको इसका लिंक मिलेगा ऊपर आई बटन में। 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, ऐसे मसल के डालना है आपने, 1/2 से 1/2 टीस्पून पुदीना पाउडर। पुदीना डालने के बाद आपने इसमें डालना है 2 पिंच इलायची पाउडर, 2 पिंच काला नमक, 1/2 से 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट स्पाइसी करने के लिए, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने देखिए ऐसे मिक्स करना है। अब आप इसकी जब शक्ल देखेंगे ना मसाला बनने के बाद, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया मसाला बना है और कितनी अच्छी पापलेट बनने वाली है। और आज मैंने बेसन क्यों डाला है, क्योंकि मैं कभी भी बेसन नहीं डालता हूं तंदूरी में, इसलिए डाला है क्योंकि मछली में अच्छे से मसाला चिपक जाए। देख रहे ना आप, ऐसा मसाला आपने बनाना है। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर आपने ये पापलेट डाल देना है जो हमने मेरीनेट करके रखी थी, और जो भी इसमें नमक होगा पानी होगा सब डाल देना। फिर ऐसे अच्छी तरीके से मसाले को पापलेट के ऊपर लगा लेना है। देख रहे ना आप, ऐसे बढ़िया से अच्छे से लगाएं, और ये जो कट लगाए ना इसके अंदर भी ऐसे घुसेड़ देना है आपने। देख रहे हैं ना मसाला, तभी अंदर तक टेस्ट आएगा और आपको इतना मजा आएगा ना खाने में, बता नहीं सकता, आपके मुंह में पानी आ जाएगा देखते ही। देख रहे ना,
कितना मस्त हो गया। ऐसे मसाला अच्छे से लगाने के बाद आपने इसको 15 मिनट और रखना है, 15 मिनट जरूर रखें। उसके बाद आपने इसको सीख में लगाना है। कैसे लगाना है आपको दिखाऊंगा 15 मिनट के बाद। अब 15 मिनट हो चुके हैं और मैं सीख में लगाने वाला हूं। तो आज मैंने सीख ली है पतली वाली, तो आपने भी पतली लेना है। कितनी पतली? चिकन टिक्के वाली। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना, ये पनीर टिक्के की है, चिकन टिक्के की, तो चिकन टिक्के वाली सीख में लगाना है। लगाने का तरीका क्या है, ये देखिए, ये चीज आपने ऊपर की साइड रखनी है और ऐसे, ये देखिए, यहां से ऐसे सीख को डाला और यहां से ऐसे निकालना है, इस तरीके से, ऐसे देख लेना आप, ऐसे लगाना है। तो दूसरी भी मैं इसी तरीके से लगा लूंगा। ये देखिए, ये है तरीका, और ऐसे आपने यहां पर निकाल दिया। देखिए, उसके बाद क्या करना है, हल्का सा इसके ऊपर ऐसे मसाला लगाना है, जैसे कि मैं लगा रहा हूं, ऐसे लगा लें और इसको डाल देना है तंदूर के अंदर, और तुरंत आपने लगा देना है ढक्कन। आज पकाने का प्रोसीजर कैसा रहेगा ये तो मैंने आपको बताया नहीं, सेम रहेगा जैसे मैं आपको चिकन टिक्का पकाने का बताता हूं, ऐसे ही आपने पकाना है, लेकिन टाइम थोड़ा कम लगाना है। आज 4 मिनट के बाद आपने इसको निकालना है, निकाल के क्या करना है आपको दिखाता हूं। आपने ऐसे प्यार से निकालना है 4 मिनट के बाद। फिर क्या करना है, ऐसे देखिए इस तरीके से रख देना है तंदूर के ऊपर, ऐसे रख दें। फिर ऐसे आपने लगाया बटर या फिर देसी घी, जरूरी है लगाना। ऐसे लगा के क्या करना है आपने, इसको आपने टांग देना है बाहर 2-3 मिनट, ताकि इसका पानी निचुड़ जाए। टांगना जरूरी है, तभी अंदर तक अच्छे से मछली गल पाएगी। जब आपकी मछली से पानी निचुड़ जाएगा, तब आपने क्या करना है, दोबारा इसको डाल देना है तंदूर के अंदर, लेकिन कम टाइम के लिए डालना है, बस 2 मिनट बाद निकाल देना है। गल जाएगी, हलवा बन जाएगी, आपके मुंह में घुल जाएगी। और ऐसे प्यार से डालें, नहीं तो क्या होगा, ये निकल भी सकती है और गिर भी सकती है, तो गिरना नहीं चाहिए, डालना है आपने मछली को अंदर प्यार से। अब मैं पापलेट निकालने वाला हूं, तो आपने दिल को थाम के बैठना है, क्योंकि इतनी बढ़िया हुई है ना, जिसका जवाब नहीं। दिखाता हूं आपको, देख लेना कितना बेहतरीन लाजवाब प्यारा कलर आया। तो इसी तरीके से आपने बनानी है जैसे कि मैंने बनाई। उसके बाद आपने क्या करना है, हमेशा की तरह आगे से ऐसे सीख को साफ करना है और बहुत ही प्यार से देखिए ऐसे घुमाना है, आपने घुमा के हल्के हाथ से निकालना है। देख लेना आप, ओ हो बहुत ही गर्म है, ये देखिए मजा आ गया बना के, खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है ना, जिसका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही लाजवाब खुशबू है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा ऐसे चाट मसाला छिड़कना है, और अगर आपके मुंह में पानी आ गया है देख के, तो मुझे जरूर बताना है। कैसे बताएंगे, कमेंट करके बताना है, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।